आज हम बनाएंगे चॉकलेट पिनहिल कुकीज, जिसके लिए हमने एक कप मैदा, आधा कप चीनी, आधा कप व्हाइट बटर, आधा चम्मच वेनिला एसेंस, एक बड़ा चम्मच चॉकलेट पाउडर, एक बड़ा चम्मच कोको पाउडर और एक बड़ा चम्मच पानी ले लिया है। अब एक बाउल में मक्खन डाल लेंगे। मक्खन आप कोई भी ले सकते हैं, घर पे बना हुआ भी ले सकते हैं, बाजार से लाया हुआ मक्खन भी ले सकते हैं। और इसमें चीनी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें आधा चम्मच वेनिला एसेंस और पानी डालकर मिलाएंगे। इसे अच्छे से फेंटते रहें। इसमें आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। इसे करीब 5 मिनट तक इस तरह फेंटे। अब इसमें हम मैदा मिलाएंगे। मैदा को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। इसे हाथों से मिलाएं। सारे मैदे को अच्छे से इसमें मिला लें। हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसके 2 बराबर हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से को ऐसे ही रख देंगे और दूसरे हिस्से में चॉकलेट पाउडर और कोको पाउडर मिला लेंगे। हमारा दोनों तरह का डो तैयार है, प्लेन और चॉकलेट वाला। हमने ओवन को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। इतनी देर हम इसकी रोटी बेलेंगे। अब चॉकलेट वाली की भी बेल लेंगे। इतनी बड़ी वो वाली बेलिए, प्लेन वाली, उतनी ही बड़ी करीब इसको भी बेल ले। अब चॉकलेट वाली के ऊपर सफेद वाली रख के इसे इस तरह रोल कर लेंगे। इस तरह रोल कर ले। अब इसे चाकू से काट लें, करीब 1 सेंटीमीटर चौड़ा। ये देखिए, ये इस तरह से कट चुका है। अब इसे हल्के हाथों से दबा दें। सारे बिस्किट को इसी तरह दबा लें। अब बेकिंग ट्रे में थोड़ा घी या तेल लगाकर उसे ग्रीस कर लें। को थोड़ा दूर दूर करके रख लेंगे। ओवन भी हमारा गर्म हो चुका है। अब उसमें ये बिस्किट लगाएंगे। ओवन गर्म हो चुका है। अब इसमें ट्रे को मिडिल वाले रैक में रखेंगे और 1 डिग्री पर करीब 10 मिनट तक एक बार बेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे। 10 मिनट बाद ये इस तरह का हो चुका है। अभी इसे थोड़ी देर और बेक करेंगे। 10 मिनट बाद हम खाली ऊपर वाला हीटर को ऑन करेंगे, नीचे वाला ऑफ कर देंगे। 15 मिनट बाद
हमारी कुकीज तैयार है। अब इसे निकालेंगे इस तरह किसी जाली पे, इसे निकाल ले और ठंडा होने के लिए छोड़ दे। हमारे कुकीज तैयार है खाने के लिए। इसे किसी एयर टाइट जार में डालकर आप काफी दिन तक रख सकते हैं।